हेलो क्लास, कंटिन्यू करते हैं अपने स्टडी को। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1 बी, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन उसका मैं करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, समझना और अपनी कॉपी को कंप्लीट करना क्लास 5। चलिए एक्सरसाइज 1 बी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर नेम। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पहले ही क्लास में मैंने आपको ये बताया है। तो आपको क्या करना है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बना लीजिए। यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन, हंड्रेड मिलियन तक है। तो राइट करते हैं, यूनिट मतलब वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन। ठीक है, ये हो गया आपका प्लेस। अब यहाँ पे हम नंबर राइट करेंगे, मतलब नंबर क्या सीधे वर्ड्स में दिया है तो उसको फिल करना है। तो चलिए फिल कर देते हैं। पहला क्या पूछा है भाई, पहला है 73 मिलियन, 73, 73। तो यहाँ थ्री बॉक्स हैं तो 73 मिलियन, क्योंकि 70 है तो 10 मिलियन और मिलियन है तो 73 मिलियन। 73 मिलियन के बाद है 34,000, 34,000। तो 100,000, 10,000, 1,000 है तो 34,000। ये हो गया हमारे पास 125। और जहां कुछ नहीं है वहां जीरो पुट कर देंगे, तो 100,000 पे कुछ नहीं है तो यहां जीरो पुट कर दिया। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, हमने इसको नंबर में राइट कर दिया, फिगर्स में राइट कर दिया। ऐसे ही दूसरा देख लो, दूसरा के लास्ट वाला देखो, 1 बिलियन। अच्छा, बिलियन के भी पास है तो बिलियन भी बना लेते हैं भाई सेक्शन। ये होगा अगला बिलियन, 10 बिलियन, 10 बिलियन तक बना लेते हैं। ठीक, लास्ट जो है वो है कह रहा है 1 बिलियन, 1 बिलियन, तो बिलियन के नीचे 1 हो गया, 1 बिलियन। 2 मिलियन, 2 मिलियन, मिलियन के नीचे 2 मिलियन बोला है, 2 मिलियन, तो मिलियन के नीचे 2 मिलियन हो गया। 3,000, 3,000, तो 1,000 के नीचे 3,000, 3,000। 4 दिया है सिर्फ, 4, सिंगल डिजिट 4, तो यूनिट पे राइट होता है, वंस पे 4। अब बाकी हर जगह जहां गैप दिख रहा है आपको वहां चुपचाप अब जीरो ऐसे गोला बना दो, बड़ा सा, छोटा सा, जैसा इच्छा करे जीरो पुट कर दीजिए। ये हो गया आपका 1 बिलियन, 2 मिलियन, 3,000, 4। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एंटर द डिजिट ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट एंड ऑल्सो राइट द नंबर नेम फॉर द न्यूमरल्स। ठीक है भाई, काम यही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से हमें चार्ट प्रिपेयर करना है, तो चलो भाई चार्ट प्रिपेयर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक, फिर से क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप फिर से चार्ट बनाएंगे। चलिए ये हो गया, फिफ्थ से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, फिफ्थ, 4 और 3, तो ये आपका है 7, 7, 2, 0, 3, 4, 0, 5, 2, 2, ये हो गया 1, 6, 0, 8, 2, 5, 0, ये हो गया। फिर है 3, 1, 2, 9, 0, 2, 2, 6, 3, 5। चलो भाई, पहले तो इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, यानी पहले इसको तो फिल करते हैं, भरते हैं इस इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो राइट हैंड साइड से भरना शुरू करते हैं। तो ये 2, 2, 5, 0, 4, 3, 0, 2, 7 फिल हो गया। फिर देखिए 0, 5, 2, 8,
जीरो सिक्स वन फिल हो गया, फिर देखिए फाइव थ्री सिक्स टू टू जीरो नाइन टू वन थ्री, ठीक है ये हमने फिल कर लिया। अब देखिए फिल करने के बाद, अब सारा फिल करिएगा, ठीक है सारा फिल करिएगा इस तरीके से। फिल करने के बाद आपको क्या करना है, इनका नेम राइट करना है। नेम ये भी आपने फर्स्ट क्लास में सीखा हुआ है। देखिए यहाँ पे कैसे नेम राइट करेंगे, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है 72, तो देखो 720 ये तीनों का तीनों कहाँ आ रहा है, मिलियन पीरियड में, तीनों के तीनों मिलियन पीरियड में है। ये यहाँ से यहाँ तक 1000 है, ये यहाँ से यहाँ ये 100 है, और ये यहाँ से यानी पूरा होता है वंस पीरियड। ठीक, तो देखा जाए भाई 720 का मतलब हो गया 720, तो आप राइट करेंगे 720 क्या है ये, मिलियन, 720 मिलियन। फिर देखिए 340 मतलब 340 कौन सा है पीरियड, 1000, तो राइट करेंगे 340 इसके बाद क्या है 522, तो राइट करेंगे 522। तो भाई ये रहा इनका नेम, बहुत बड़ा है 720,340,522, ये राइट हो गया। अब दूसरा देखो जो हमारे पास है, ये है 1 मिलियन, मिलियन के नीचे 1 है, तो राइट करेंगे हम 1 मिलियन, O-N-E-1-M-I-L-L-I-O-N 1 मिलियन। 608 है तो 608,000 250 इस तरीके से हम इन नंबर्स को वर्ड्स में राइट करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अब ये जो है ये देखो थर्ड नंबर हमारे पास, इसका भी देख लो, कर तो लोगे तुम लोग लेकिन एक बार देख लो भाई, 3 बिलियन पे है, तो राइट करेंगे TH3 बिलियन BILLION बिलियन 3 बिलियन हो गया। 129 मिलियन है, 129 मिलियन 129 क्या है भाई ये, मिलियन MILLION 129 मिलियन ये हो गया। इसके बाद ये जीरो है तो 2 2 22 क्या है, 22,000 तो TWENTY 22,000 हो गया। फिर क्या है 635 इस तरीके से हम इनका नेम राइट करेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है विच डिजिट इज इन द बिलियन पीरियड इन क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 के ही मदद से 3 करना है, तो क्वेश्चन 2 का जो हम चार्ट प्रिपेयर किए हैं इसी को देख के करना है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि फर्स्ट में कि विच डिजिट इज इन द बिलियन पीरियड इन क्वेश्चन 2 थर्ड, क्वेश्चन 2 के थर्ड में कौन सा डिजिट बिलियन पीरियड में है, तो 2 का थर्ड ये है,
तो 2 के थर्ड में बिलियन पीरियड पे कौन सा है या बिलियन प्लेस पे, तो देखोगे ये 3 जो है वो कहाँ पे है, बिलियन पे। तो तुम राइट करोगे क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में, पूछा है विच डिजिट, तो 3 इज इन द बिलियन पीरियड। विच डिजिट, तो 3 इज इन, देखो बुक में सही लिख लेना स्टेटमेंट, इन द बिलियन बिलियन पीरियड, बिलियंस पीरियड। 3 जो है वो बिलियंस पीरियड में है। अब ऐसे ही विच डिजिट आर इन द मिलियन पीरियड, इन क्वेश्चन 2 का सेकंड, तो 2 के सेकंड में कौन कौन सा डिजिट जो है वो मिलियन पीरियड में है। तो हमने 2 का तो लिखा नहीं है, फिर भी देख लेते हैं बुक में है हमारे पास, तो कौन सा डिजिट मिलियन पीरियड में है। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, तो 82 डिजिट पूछा है तो अलग अलग राइट करेंगे, ठीक है, डिजिट पूछा ना, इसलिए 8 and 2 इज इन द मिलियन, ठीक है, मिलियंस पीरियड, समझ गया। 8 and 2, क्योंकि 82 है तो डिजिट पूछा है तो अलग अलग राइट करोगे, अलग अलग। 8 and 2 इज इन द मिलियन पीरियड, 8 और 2 जो है वो मिलियन पीरियड में है। ऐसे ही आगे पढ़ा जाए, विच डिजिट आर इन द 1000 पीरियड, कौन सा डिजिट 1000 पीरियड में है, तो देखना पता कर लेना कौन सा 1000 में है। विच डिजिट आर इन वंस पीरियड, 2 के फिफ्थ में वंस पीरियड में कौन कौन सा है, तो 2 का फिफ्थ हमारे पास ये है, तो वंस पीरियड में कौन कौन सा है, तो वंस पीरियड में है 5, 2, 2, 5, 2 and 2, ये 3 डिजिट है, 5, 2, 2, अलग अलग लिखना, वंस पूरा होता है, यू वंस टेंस हंड्रेड, ये तीनों वंस पीरियड में आते हैं, ठीक। 5 नंबर पे चलते हैं, व्हाट इज द पीरियड ऑफ 3 इन क्वेश्चन 2 का सेकंड, क्वेश्चन 2 के सेकंड में जो 3 है वो किस पीरियड में, तुमको पीरियड बताना है। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, 3 तो यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, तो 3 जो है वो 1000 पीरियड में है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5 वाला क्वेश्चन है ना, 5 उसमें बोल रहा है कि 3 किस पीरियड में है, तो 3 इज इन, 3 कहां पे है, 1000 पीरियड में, तो लिखोगे 1000s पीरियड। 3 कहां पे है, 1000 पीरियड में है। अब अगला ऐसे ही पूछा, व्हाट इज द पीरियड ऑफ 9 इन क्वेश्चन 2 थर्ड, 2 के थर्ड में 9 का बताइए, तो 2 का थर्ड ये है हमारे पास, तो 9 कहां पे है, 9 मिलियन पे है, मिलियन पीरियड में, तो लिखोगे 9 इज इन मिलियंस पीरियड, 9 कहां पे है, मिलियन पीरियड में। बात समझ में आ रही है, कोई तकलीफ यहां पे किसी को, किसी तरीके की कोई दिक्कत, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 देखो, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन क्वेश्चन 2 थर्ड, क्वेश्चन 2 के थर्ड में 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड में, तो ये क्वेश्चन 2 का थर्ड है हमारे पास और इसमें 2 की प्लेस वैल्यू पूछा है। तो देखिए, एक 2 की प्लेस वैल्यू 1000 पे है, एक 2 की प्लेस वैल्यू 10,000 पे है और एक 2 की प्लेस वैल्यू 10 मिलियन पे है, तो आप राइट करेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज, या आर लिख दो, ऐसे अलग अलग है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 आर, 2 का आर नहीं सूट नहीं कर रहा है, इजी लिख लो, ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज, 2 का क्या क्या प्लेस वैल्यू है, तो प्लेस वैल्यू है 2 का, पहले तो 2 10 मिलियन पे है तो 2 राइट कर दिया, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 0, तो एक प्लेस ये हो गया, दूसरा क्या है, 2 है ये 10,000 पे, तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, ये हो गया, और ये 2 जो है वो 1000 पे है तो 30। तो देखो 2 का जो प्लेस है, इसमें पूछा है कि 2 का प्लेस, ईच 2, हर एक 2 का प्लेस बताइए, तो प्लेस वैल्यू ऑफ, यहाँ लिख लो प्लेस वैल्यू ऑफ ईच 2 इज, या इज भी छोड़ दो, प्लेस वैल्यू ऑफ ईच 2
हर एक टू का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या आएगा, ये हो गया आपका 20,000,000 और ये 2,000, सबका हमने प्लेस बता दिया। इस तरीके से प्लेस राइट करेंगे, ठीक, इस तरीके से नंबर में। अब एट्थ नंबर पे आइए, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन क्वेश्चन 2 फर्स्ट। हर एक 3 का, क्वेश्चन 2 के फर्स्ट में हर एक 3 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो सेम जैसे ये देख रहे हो, प्लेस वैल्यू ऑफ ईच 2, हर एक 2 का हमने प्लेस वैल्यू बताया, वैसे ही आपको प्लेस वैल्यू ऑफ ईच 3, हर एक 3 का प्लेस वैल्यू बताना है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में। 2 के फर्स्ट में जहां जहां भी 3 है उनका प्लेस वैल्यू ऐसे ही राइट करोगे नंबर्स में। आगे बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन 3 के नाइन्थ पार्ट पे आते हैं। व्हाट इज द पीरियड एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन क्वेश्चन 2-4। अच्छा, 2 के 4 में 1 का पीरियड भी बताना है और प्लेस भी बताना है, पीरियड भी बताना है प्लेस भी बताना है। तो चलो देखा जाए क्वेश्चन 2 का 4। तो 2 का 4 जो है हमारे पास ये है, 2 का 4, 2 के 4 में 1 कहां पे है, 1 ये है, ये कहां पे आ रहा है, मिलियन। इसका जो पीरियड है वो मिलियन पीरियड पे आ रहा है और इसका प्लेस भी कहाँ है, वो मिलियन प्लेस पे ही है, 1,000,000। तो हम राइट करेंगे, इसमें पूछा है व्हाट इज द पीरियड, तो हम पहले लिखेंगे वन इज एट मिलियन मिलियंस पीरियड, वन इज एट मिलियन पीरियड मिलियंस पीरियड, वन जो है वो मिलियंस पीरियड में है, एंड वन इज एट मिलियन प्लेस, प्लेस वैल्यू या ऐसे लिख दो, एंड प्लेस वैल्यू ऑफ वन, छोड़ो, एंड प्लेस वैल्यू ऑफ वन, वन का प्लेस वैल्यू, तो वन का प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ वन इज 1,000,000। तो वन राइट करेंगे, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, ये हो गया 1,000,000, पीरियड हो गया मिलियंस पीरियड, प्लेस भी हो गया 1,000,000। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, और 3 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। 4 क्या कह रहा है, इन विच पीरियड इज द अंडरलाइन डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स। अच्छा, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि आपको ये बताना है कि जो अंडरलाइन डिजिट है वो किस पीरियड में आ रहा है, पीरियड बताना है आपको किस पीरियड में आ रहा है। तो पीरियड बताना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, फोर्थ लास्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड नंबर देखो तो 9, 6, 2, 9, 1, 2, 0, 3, 0, 5। दूर दूर क्यों लिखा जा रहा है, इसका कारण है क्योंकि आपको सबसे पहले प्लेस इंडिकेट करना होगा ना, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन, बिलियन, टेन बिलियन, ये हमने प्लेस इंडिकेट कर दिया। और 9 पे अंडरलाइन किया गया है, तो ये वाला 9 पे अंडरलाइन किया गया है, आपको ये बताना है वो किस पीरियड में है। तो देख रहे हो ये मिलियन में आ रहा है, 10 मिलियन पे है तो मिलियन में आएगा, तो 9 इज इन कहाँ पे है, मिलियंस मिलियंस पीरियड, 9 कहाँ पे है, मिलियंस पीरियड में है। ऐसे ही जितने भी डिजिट का पूछ रहा है आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है उनकी प्लेस वैल्यू इंडिकेट कर देनी है उनके ऊपर, और फिर आप आसानी से पता कर लेंगे कि जो भी अंडरलाइन डिजिट है वो किस पीरियड में आ रहा है। बात समझ में आया, तो आपको ऐसे ही ये सॉल्व करना है। यहाँ पे किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अब आपको बताना है प्लेस, 4 में बताना था आपको पीरियड, क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है प्लेस, काम करना है वही, कोई नया चीज नहीं है। देखते हैं फिफ्थ पार्ट इसका, तो 2, 3, 3 के नीचे अंडरलाइन है, 1, 6, 1, 4, 6, 2, 1, 9, ये हो गया। तो प्लेस बताना है, तो प्लेस बताने के लिए आपको प्लेस इंडिकेट करना पड़ेगा, वंस, टेंस,
100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 million, 100 million, बिलियन। तो थ्री कहाँ पे आ रहा, थ्री का प्लेस क्या है, 100 million, सीधे लिख दो प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री इज क्या है, थ्री और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 0। तो ये हो गया आपका थ्री जो है वो 100 million प्लेस पे है, हो गया हमारा सॉल्व। तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हो ना, नंबर लिखो, प्लेस वैल्यू डालो और जिस प्लेस पे जो डिजिट है वो लिख डालो, बस काम खत्म। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, फ्रॉम द फॉलोइंग का मतलब देखो, ये एक थर्ड नंबर हम बता रहे हैं, बहुत सिंपल है, ये भी देखो समझो और सीख जाओगे, बहुत आसान है। 3020101, 3020101, 3201010101, हाँ ये हो गया ठीक। अब आपको क्या करना है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, इनमें से आपको छांटना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे देख के ही, कौन सा ग्रेटेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है। देखा जाए, पहले तो डिजिट काउंट करो कि कितना डिजिट है। तो देखो डिजिट काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 डिजिट का है, 9 इसको काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 डिजिट है। देखो लिख लो अपने हिसाब से, ये देखो ये 9 डिजिट का है ठीक, ये कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 डिजिट का है, इसको काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 डिजिट का हुआ, इसको काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 डिजिट का हुआ ठीक है। हमने अपने हिसाब से छोटा छोटा राइट कर लिया कि कौन सा कितने डिजिट का है, तो ये 9 डिजिट, ये 8 डिजिट, ये 7 डिजिट और ये 9 डिजिट। तो देखो सबसे जो ग्रेटेस्ट है वो ग्रेटेस्ट होगा जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट है, तो सबसे ज्यादा डिजिट जो है वो 9 है, 9 डिजिट के नंबर जो है सबसे बड़े हैं इसमें। तो 9 डिजिट के 2 नंबर हैं, एक ये है और लास्ट वाला, 9 डिजिट के 2 नंबर हैं, एक फर्स्ट और एक लास्ट। अब इसमें से फिल्टर करते हैं कि कौन सा ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट नंबर लिख लेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू ये हो जाएगा, और लास्ट में लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू। अच्छा तो पहले ग्रेटेस्ट निकालते हैं, तो ये दोनों में से कंपेयर करेंगे। तो देखो 3 है पहला, वहां पे भी पहला 3 है, 3 यहां पे पहला है, यहां भी पहले 3 है, फिर 0 है, फिर नेक्स्ट डिजिट भी 0 है इसका, फिर यहां देखो 2 है यहां लेकिन 1 है, तीसरे नंबर पे 2 है इसका और वहां पे 1 है, तो कौन सा बिगर हो गया, 2, तो इसका मतलब ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट में राइट करोगे 3, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 1, ये राइट होगा ग्रेटेस्ट में। और स्मॉलेस्ट में, स्मॉलेस्ट में देखो सबसे कम डिजिट किस में है, तो सबसे कम डिजिट वाला क्या है, ये 7 डिजिट का, 7 डिजिट का सबसे कम है, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट। सिंपल फिल्टर कर लिया, छाट लिया, एक बार में खत्म कहानी, समझ में आ गया क्या करना है ना, इसमें से ही छांटना है कौन सा ग्रेटेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो पहले डिजिट काउंट कर लो, अगर डिजिट 2 सेम मिल गई तो उसमें कंपेयर कर लो, छांट लो, फिल्टर कर लो, उसमें से जो बिगर होगा ग्रेटेस्ट होगा वो राइट कर लो, फिर जिसमें सबसे कम डिजिट है उसको लिख दो, और अगर कम डिजिट के भी 2 नंबर हैं तो उसमें भी फिर छांटो, उसमें से भी छांट लो, जो आएगा वो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया है, अब आगे बढ़ा जाए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट ओनली वंस। अच्छा देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी है बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल आपको क्या करना है, डिजिट दिया हुआ है तो देखो 5th नंबर एक बता दूंगा, बाकी तो एकदम आराम से करोगे, एकदम हवा नहीं लगेगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहेगा आओ भाई जल्दी से हमको सॉल्व करो ठीक है। देखो इस नंबर से हमें इन नंबर का यूज करके ग्रेटेस्ट बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, और इन्हीं नंबर का यूज करके
स्मॉलेस्ट भी बनाना है। बहुत सिंपल है, इन्हीं का यूज करके ग्रेटेस्ट बनाना है और इन्हीं का यूज करके स्मॉलेस्ट बनाना है। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप चेक करोगे कि इन नंबर्स में से, सॉरी इन डिजिट में से कौन सा ग्रेटेस्ट डिजिट है, सबसे बड़ा डिजिट। तो देखो सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 7 राइट कर दिया। इसके बाद क्या है, 5 राइट किया, फिर है 3 राइट किया, फिर है 2 राइट किया, फिर 1 बिना कॉमा के, क्योंकि नंबर बनाना है हमें। तो नंबर ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। ये अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है, 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। कहने का मतलब जो ग्रेटेस्ट बनाया हो उसका उल्टा कर दो, स्मॉलेस्ट आ जाएगा। देखो ध्यान से, 7 5 3 2 1 1 ग्रेटेस्ट, इसका उल्टा कर दो, 1 1 2 3 5 7 स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, चलो ठीक है। एक और देखते हैं जिसमें 0 है, फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं जिसमें 0 है, वो समझ लो। फोर्थ वाला है आपके पास 0 2 4 6 8। क्यों बता रहे हैं इसको, ध्यान से एकदम समझो, ठीक है, बहुत जरूरी चीज है। 6 और ये हो गया 8 4, ठीक। देखो कितना डिजिट है, इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 फाइव डिजिट है। तो इसका मतलब हम जो भी बनाएंगे ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट उसमें 5 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो पहले ग्रेटेस्ट बनाते हैं, तो इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा डिजिट है 8, 8 के बाद है 6, फिर 4, फिर 2 और फिर लास्ट में 0। ये बन गया ग्रेटेस्ट बन गया। स्मॉलेस्ट बनाना है तो स्मॉलेस्ट में सबसे स्मॉलर नंबर ढूंढो। तो तुम कहोगे सर स्मॉलेस्ट बनाना है तो सबसे पहले 0 राइट कर दीजिए। तो जैसे ही 0 राइट करोगे ऐसे ही हम काटेंगे, ऐसे ही काट के फेंक देंगे, क्योंकि 0 नहीं राइट करेंगे। सुनो क्यों नहीं राइट करेंगे, अब देखो ध्यान से, पहले 0 इसलिए नहीं राइट करेंगे क्योंकि अगर देखो यहाँ पे ये 2 डिजिट का नंबर है, मान लो ये 0 1 हमारे पास है, 2 डिजिट है, तो हमने पहले 10 लिख दिया, ठीक। अगर हम स्मॉलेस्ट में इसको 0 आगे लिख दिए 0 1, तो बाबू तुमको पता है कि 0 अगर हम आगे राइट कर दिए तो 0 1 का मतलब क्या, 1। 0 1 का मतलब क्या, 1। तो 0 1 का मतलब अगर 1 हो गया तो ये तो सिर्फ 1 ही डिजिट हुआ ना, तब 0 का मतलब तो कुछ नहीं हो जाएगा, नथिंग। अगर हम आगे लिख देंगे 0 तो उसका मतलब कुछ नहीं होगा। यहाँ पे तुमको ये 10 मिलेगा, लेकिन अगर यही 0 आगे लिख दें, नंबर मिलता है ना 10 में से, तो 10 में से अगर 10 मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन अगर यही चीज ऐसे लिख दिया जाए तो क्या ये 10 होगा, नहीं ना, ये 1 हो जाएगा, 0 1 का मतलब 1 हो गया। इस वजह से हम 0 पहले नहीं राइट करेंगे, 0 हमेशा सेकंड नंबर पे राइट करते हैं जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, सेकंड नंबर पे। कहाँ पे राइट करेंगे, सेकंड। तो 0 के अलावा पहले अब इसमें देखेंगे कि 0 को छोड़ो, 0 के बाद स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, इसमें से 0 के बाद स्मॉलेस्ट डिजिट है 2, तो 2 राइट कर दिए, 2 राइट हो गया। फिर मैंने बोला कि 0 हमेशा सेकंड प्लेस पे राइट करेंगे, तो 2 के बाद 0 राइट कर दो, अब ठीक 0 राइट कर दिए। अब इसके बाद 2 हो गया, 0 हो गया, फिर क्या है, देखो 4 6 8 ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पे। 0 पहले मत राइट करना, 0 राइट करोगे तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, 0 हमेशा सेकंड प्लेस पे राइट होगा, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आपको पूरा सॉल्व करना है क्लासरूम कॉपी में। 8 की तरफ बढ़ते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ठीक है। 8 बता दूंगा तो 9 डिसेंडिंग ऑर्डर, जस्ट उसका उल्टा आप जानते ही हैं। तो पहले 8 देख लीजिए असेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, बचपन से करते आ रहे हो असेंडिंग ऑर्डर, क्लास 1 से ही शुरू हो जाता है, वहां से ही सीखते सीखते 6 में 5 में मतलब 5 में पहुंच गए हो, और यहां पे भी असेंडिंग ऑर्डर दिया है लेकिन डिजिट जो है ज्यादा है, तो इसको करना है हमें। ठीक है, देखो ये दिया हुआ है तो लिख दो, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर,
असेंडिंग ऑर्डर हम अरेंज करते हैं। देखो भाई असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना है तो काउंट करो डिजिट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 8 डिजिट का, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब 8 डिजिट है, सब 8 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है, तब बहुत अच्छी बात है, सब एक जैसा है। अब आपको कंपेयर करना है तो पहले शुरू करिए 1 1 1 1 1, असेंडिंग ऑर्डर है तो छोटे से बड़ा यानी स्मॉलर टू बिगर, 1 है सब में, फिर उसके बाद नेक्स्ट डिजिट 3 3 3 3 3, सब में सेम आ रहा है, थर्ड डिजिट देखो 6 6 9 9 6, तो देखो थर्ड डिजिट में तुमको थोड़ा कुछ फिल्टर हुआ, इसमें सबसे स्मॉलर नंबर क्या आया जो 6 है, तीसरे नंबर पे 6 यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो अब इन तीनों नंबर्स को देखो, 6 के बाद 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, अगला डिजिट देखा जाए 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे, तो भाई ये 3 बिगर हो गया, 2 स्मॉलर हो गया, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, फिर अगला डिजिट देखो, यहाँ है 7 और यहाँ है 8, तो कौन सा हुआ स्मॉलर, 7 की 8 7, तो जब ये स्मॉलर हुआ तो सबसे पहले इसको राइट करोगे 1 3 6 9 2 7 1 8, ये हो गया, इसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा तुम्हारा ये 1 3 6 9 2 8 1 7, इसके बाद ये दोनों फिल्टर हो जाने के बाद यहाँ देखो थर्ड पे 6 है, यहाँ 9 था, 9 था इन दोनों में, तो इसके बाद जो होगा स्मॉलर नंबर ये होगा 1 3 6 9 3 8 1 7, ठीक। अब इसके बाद ये दो नंबर बचे हैं तुमको, इसको कंपेयर करना है, तो 9 9 तक हो चुका था, इसके बाद देखो ये 8 है, ये 6 है, तो कौन सा स्मॉलर हुआ, 6 की 8 6 वाला स्मॉलर हुआ, तो अब इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 3 9 6 8 7 1 2, और लास्ट में क्या लिखोगे, लास्ट में वो जो बचा हुआ है 1 3 9 8 6 1 7 2, ये तुम्हारा हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। तो कैसे अरेंज करना है, आपको एक एक डिजिट कंपेयर करनी है, पहले तो काउंट कर लेना है कि टोटल कितना डिजिट है, हमने काउंट किया सब बराबर था, 8 8 8 डिजिट, तो बहुत अच्छी बात है सब बराबर है, तो अब यहाँ से हम एक एक डिजिट को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि कौन सा स्मॉलर है, इसके बाद जो सबसे स्मॉलर होगा पहले उसको राइट करेंगे, फिर इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में आपको क्या करना है, इसी का उल्टा यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़े से छोटा, ठीक, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं हम लोग, बिगर टू स्मॉलर। तो अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, या असेंडिंग ऑर्डर की जगह आपको लिखना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के बाद आपको इन नंबर्स में फिल्टर करके छांट के निकालना होगा कि कौन सा सबसे बड़ा यानी बिगर नंबर है, तो जो सबसे बड़ा यानी बिगर नंबर होगा उसको पहले राइट करोगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे स्मॉलर स्मॉलर, इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो क्लियर हो गया असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, एकदम अच्छे से मैंने समझाया है, ठीक है, तो आप भी एकदम अच्छे से समझिए इसको, अगर नहीं समझ में आया तो पीछे पीछे जाके इसको देखिए मैंने क्या बोला है उसको सुनिए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 1 to 9 पूरा, एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, और आपको क्या करना है, आपको इसको देख के कॉपी में राइट करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ाई जारी रखिएगा अपनी, फिर अगले क्लास में मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ, थैंक यू।